बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की बैठक चर्चा में क्यों? दिल्ली में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 24 जुलाई 2022 को बैठक आयोजित की गई। बीजेपी की मुख्यमंत्री परिषद की इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। चर्चा के बिंदु 2024 के लोकसभा चुनावों के अलावा पीएम मोदी ने देश भर में आगामी स्वतंत्रता दिवस समारोह पर भी चर्चा की और सरकार के हर घर तिरंगा अभियान पर मुख्यमंत्रियों से बातचीत के साथ ही कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के मद्देनजर नेताओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वे आंदोलन के बारे में लोगों को जागरूक करें। बीजेपी की ओर से कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने गति शक्ति, हर घर जल और अन्य जैसी प्रमुख सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। बैठक में पीएम मोदी ने अपने विचारों को साझा किए और राज्यों का विकास कार्य पर मार्गदर्शन किया। पीएम मोदी ने व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया। उन्होंने राज्यों को देश भर में कारोबारी माहौल को बेहतर करने की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री परिषद बैठक के उद्देश्य: युवा और महिला सशक्तिकरण का विकास सरकार की प्राथमिकता के प्रमुख उद्देश्य हैं। पोषण अभियान को मजबूत करने और कुपोषण से निपटने की नीतियों के क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। मंत्री परिषद बैठक में शासन से संबंधित नीतियों को साझा करने का अवसर प्रदान करना है। टीम इंडिया की भावना को आगे बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को अपनाना है। इससे पूर्व बैठक दिसंबर 2021 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में आयोजित हुई थी। उस दौरान 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की भागीदारी देखी गई थी, जहां पीएम ने राज्य के विकास और कल्याणकारी योजनाओं के कुशल वितरण पर अधिक ध्यान देने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री: राज्य में मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी है। हमारे संविधान में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त होने वाली विशेषताओं का वर्णन नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। शक्तियां और कार्य: मुख्यमंत्री एक मंत्री के रूप में किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार ही राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री कभी भी मंत्रियों और विभागों के बीच आवंटन और फेरबदल कर सकता है। विचारों के अंतर के मामले में वह किसी भी मंत्री को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है। अगर मंत्री इस्तीफा नहीं देता है तो मुख्यमंत्री उसे बर्खास्त करने के लिए भी राज्यपाल को सलाह दे सकता है। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों का निर्देश और मार्गदर्शन देने के साथ सभी गतिविधियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने या मृत्यु की स्थिति में ही पूरा मंत्री परिषद को भंग किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 167 के तहत राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल और मंत्रियों की राज्य परिषद के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में जैसे अटॉर्नी जनरल, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग आदि के बारे में राज्यपाल के साथ सलाह मशवरा करते हैं। वह एक वर्ष की अवधि के लिए क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष होता है। इस वीडियो के बारे में अपने सुझाव और फीडबैक कमेंट सेक्शन में देना न भूलें। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।